hey, I miss you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो अभी आपने फर्स्ट में लिरिक वीडियो को देखा, तो आज मैं यही बताऊंगा कि इस तरह के स्टेटस को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं काइंड मास्टर से। तो बने रहें वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इस तरह का वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहां से आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको 9:60 रेशियो को सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। और इतना हो जाने के बाद यहाँ से एक ब्लैक इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद इस बैक आ जाना है और यहाँ से सेटिंग का जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है उसके बाद, और यहाँ से एडिटिंग में चले जाना है। और एडिटिंग में जाके ये फोटो ड्यूरेशन का साइज को यहाँ से आपको एक कर लेना है, और यहाँ से फोटो डिस्प्ले मोड को कर लेना है फिल स्क्रीन, और यहां से बैक चले आना है। और इतना हो जाने के बाद अब आपको एक लिरिक वीडियो को ऐड करना है। तो उसके लिए लेयर में जाके आपको मीडिया में जाके ये वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, और ये वीडियो हमारा टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहां से ये वीडियो को डाउनलोड कर ले। इतना हो जाने के बाद ये ब्लैक स्क्रीन के एंड में चले आना है और यहाँ से आपको मीडिया में चले जाना है, और मीडिया में जाके आपको फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। तो ये सारे फ़ोटो भी हमारा टेलीग्राम चैनल पे है और आप वहाँ से ये सारे फ़ोटो को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं है आपके पास फ़ोटो। तो मैं जल्दी से सारे फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ, और फ़ोटो ऐड कर लेने के बाद आपको बैक चले आना है। इतना हो जाने के बाद ये ब्लैक फ़ोटो जो है आपको इसके बीचों बीच आ जाना है, और यहाँ से ये जो लिरिक वीडियो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसको कैंची के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से स्प्लिट कर देना है। और इतना हो जाने के बाद तो ये सेकेंड वाले के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको चले जाना है ब्लेंडिंग में, और ब्लेंडिंग में जाके आपको यहाँ से स्क्रीन कर देना है और यहाँ से यस कर देना है। और इतना हो जाने के बाद अब ये ब्लैक स्क्रीन के बीचों बीच आ जाना है, और उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, और लेयर में जाके आपको मीडिया में जाना है और एक पीएनजी को इसमें ऐड करना है, और ये पीएनजी भी हमारा टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से ये पीएनजी को भी डाउनलोड कर लें, और इस पीएनजी का साइज को अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना है। और इतना हो जाने के बाद ये इसका साइज को अपना वीडियो के अनुसार फुल कर लेना है। और इतना हो जाने के बाद ये जो लिरिक वीडियो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको नीचे कर देना है। और इतना हो जाने के बाद ये जो लिरिक वीडियो है इसके ऊपर क्लिक करके ये जो कोने में 3 डॉट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद इसका साइज को आप अपने अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। और इतना हो जाने के बाद आपका स्टेटस कुछ इस तरह से देखने में आने लगेगा। तो उसके बाद इसमें एक टेम्पलेट को यूज करना है, तो ब्लैक स्क्रीन के बीचों बीच आ जाना है, और लेयर में जाके आपको मीडिया में चले जाना है, और मीडिया में जाके एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है, जो कि ये टेम्पलेट भी हमारा टेलीग्राम चैनल पे है, आपको वहाँ से ये टेम्पलेट भी मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना है,
उसके बाद ये टेम्पलेट को यूज कर लेने के बाद आपको यहाँ से नीचे ब्लेंडिंग में जाके इसको स्क्रीन कर देना है, और स्क्रीन कर देना कर देने के बाद यहाँ से टिक कर देना है। तो आपका कुछ इस तरह से स्टेटस देखने में आएगा। और इतना हो जाने के बाद अब सारे फोटो में इफ़ेक्ट को यूज करना है। तो इफ़ेक्ट को यूज करने के लिए आपको नीचे से थोड़ा जूम करना है कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट फ़ोटो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ से क्लिप ग्राफिक्स में जाके ये आपको ओवरले एनिमेशन 4 जो है इसको डाउनलोड कर लेना है काइनमास्टर स्टोर से। तो इसको ओपन करना है और इसका जो ये 11 नंबर का इफेक्ट है इसको यूज करना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दूसरा फोटो में भी आपको क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स में जाके ओवरले एनिमेशन का 4 को यूज करना है, और यहाँ से इसका 11 नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको सारे फोटो में क्लिप ग्राफिक्स में जाके ओवरले एनिमेशन का ये 11 नंबर का इफेक्ट को यूज कर लेना है सारे फोटो में। तो मैं जल्दी से सारे फोटो में ये 11 नंबर का ओवरले एनिमेशन का 4 का सारे फोटो में इफेक्ट को यूज कर लेता हूँ, आपको भी कर लेना है। और सारे फोटो में इफेक्ट को यूज कर लेने के बाद आपका ये स्टेटस बनके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, और ये जो लिरिक्स वीडियो है आपका उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना है और कैंची के आइकन के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से ट्रिम टू राइट कर देना है। तो इस प्रकार से आपका स्टेटस का साइज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इतना हो जाने के बाद आपका स्टेटस बन के कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं कोने में एक्सपोर्ट का आइकन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और ये जो लो है और रेखा है इसको यहाँ से हाई कर देना है, और यहाँ से आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका स्टेटस क्रिएट होके आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको भी काइनमास्टर से एक स्टेटस बनाना आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।